बिहार सरकार के तृतीय कृषि रोड मैप की योजनाओं का बामेती पटना के मार्गदर्शन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की मधेपुरा इकाई अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से स्थानीय आवश्यकतानुरूप प्राप्त विभागीय लक्ष्य का सफल क्रियान्वयन कराते हुए अत्यधिक आय देने वाले फसलों की आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी कृषक और कृषक समूहों को उपलब्ध करा इन्हें सफलता दिलाने में जुटा है, जिसका परिणाम है कि आज काले धान की जैविक खेती न सिर्फ स्थानीय कृषकों के बीच खूब प्रचलित हो रही है बल्कि यह स्थानीय कृषकों के सबलीकरण का एक सरल और सुगम साधन भी बनता जा रहा है। और इसी का उदाहरण है जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित इटवा जीवचपुर ग्राम पंचायत के जीवचपुर ग्राम निवासी प्रियंका कुमारी के ये खेत। प्रियंका कुमारी ने सबसे पहले आत्मा मधेपुरा की योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ काले धान की जैविक खेती की आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी हासिल की बल्कि इनका अपने काले धान की खेती में प्रयोग कर कम लागत से भी गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन के लाभ सहित इनके अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर अन्य कृषकों के समक्ष काले धान की जैविक खेती से संपन्नता हासिल करने का एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ मां लक्ष्मी महिला कृषक हित समूह बना दूसरी अन्य महिलाओं से भी ऐसा ही करवाने के प्रयास में जुटी है, जिससे काले धान की जैविक खेती स्थानीय कृषकों के सबलीकरण का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। आइए आत्मा मधेपुरा द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुरूप महालक्ष्मी कृषक हित समूह सहित प्रियंका कुमारी को काले धान की जैविक खेती करने के लिए दिए गए सहयोग और इससे प्राप्त हो रही सफलताओं पर खुद प्रियंका कुमारी का क्या कहना है सुनते हैं। नाम प्रियंका कुमारी, गर्जबसपुर टोलावली थाना गमरिया पंचायत इटवा जीवचपुर। तो हम लोग सब पहले मिलकर के समूह बनाए, समूह का नाम माँ लक्ष्मी है। तब कृषि विभाग से सब ये सब पूरा जानकारी मिले, तब इससे खाद बनाने की मिले, तब बीज मिले, तब हम लोग बीज उत्पादन के इससे लाभ मिले।